अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिहाबानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। पानी सिचुएशन इन चिलकलगुड़ा मस्जिद। चिलकलगुड़ा में साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से गौसुल आज़म मस्जिद को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए। इस नोटिस के मुताबिक 28 जनवरी तक मस्जिद को खाली कर देना होगा। साउथ सेंट्रल रेलवे की इशू किए गए नोटिस पर मुसल्लियों में परेशानी की लहर दौड़ उठी। मस्जिद के कमेटी मेंबर फाउंडर अहमद साहब ने मीडिया से मुखातिब करते हुए दर्दमंदाना अपील की है कि सीएम केसीआर और महमूद अली इस मसले को हल करें। उन्होंने अपील की है कि होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इस मसले पर गौर करें ताकि मुसल्लियों में राहत की सांस मैसर हो। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर की बियाबानी न्यूज़ से। पानी सिचुएशन इन चिलकलगुड़ा मस्जिद। साउथ सेंट्रल रेलवे इशू नोटिस टू वेकेट मस्जिद सय्यदना गौसुल आज़म एट चिलकलगुड़ा टिल 28 जनवरी। दिस अकॉर्डिंग टू नोटिस इशू बाय एससीआर टू वेकेट मस्जिद 28 जनवरी इज द लास्ट डेट। अहमद साहब फाउंडर मेंबर ऑफ कमेटी हैज ब्रीफ द मीडिया एंड गिव डिटेल्स। ही सेड दैट द पीपल ऑफ द एरिया आर इन टेंशन ड्यू टू अननेसेसरी ट्रबल फॉर दिस इशू। ब्यूरो रिपोर्ट फ्रॉम सैयद जुबैर, बियाबानी न्यूज़। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अहमद मुनीर गौसे आज़म दस्तगीर मस्जिद से यहाँ से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ। मैं ये मस्जिद 1996 में बनी है और यहाँ पर जो गौसे आज़म दस्तगीर का जो चिल्ला है वो 80 साल पुराना है, काफ़ी अरसों से है। अब हमें हमारे को रिसेंटली रेलवे वालों ने हमको नोटिस दिया कि आप लोग अपने मस्जिद को वेकेट करिए। 28 आखिरी हमारे को जनवरी 28 को वेकेट करना बोल के हमारे को नोटिस मिला और हम लोग परेशान हो गए कि मसला क्या है। हालांकि ये जो मस्जिद जो बनी है काफ़ी हमारे को आजू बाजू में कहीं भी ये मस्जिद ही नहीं है, काफ़ी दूर दूर तक। और यहाँ पर काफ़ी रेलवे एम्प्लॉयज़ है पूरे जो यहाँ पर आते करते, तो उन लोगों की नमाज़ की सहूलत। और 1996 से हर वक्त 5 टाइम की नमाज़ होती है, जुमा होता है और काफ़ी आने जाने के रास्ते में है रोड पे, तो काफ़ी रास्ते में रहे काफ़ी लोग को आने जाने के लिए नमाज़ के लिए है। और यहाँ पर हमारे पास जैसा कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी ना मड़गी है ना ये है या कुछ भी हमारे को किसी चीज़ का चलो भाई फाइनेंशियल सोर्स बनाना बोल के हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। सिर्फ ये है कि हमको क्यों आगे से यहाँ से इतना सारा हमारे को और किसी भी चीज़ के हमारे मस्जिद में किसी रोड डिस्टर्बेंस ही नहीं है। बाजू रेलवे क्वार्टर्स है, इधर क्वार्टर्स है वगैरह, किसी से हमारे को नहीं है। अमन शांति के साथ कभी किसी का कुछ भी नहीं है इतने साल में, काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम देने से काफ़ी हमको और सारे हमारे मुसलमान भाइयों काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है। हालांकि किसी चीज़ में बहरहाल हम लोग इसके लिए अपील के लिए गए हैं कोर्ट से और हम जो भी चाह रहे हैं उसके लिए जो हो सकता है हम बगैर किसी फसादात के, बगैर किसी जुल्म के या बगैर किसी चीज़ पे जो एंटी चीज़ों से हम दूर रह के वर हम जो हुकुम से जो रेलवे से हम ये मांग रहे हैं कि भाई ये जो ज़मीन है हमारे को जैसा आप दूसरों को दे रहे हैं लीज पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं और जो भी सेल कर रहे हैं जो भी हो आप जो भी करेंगे हमारे को थोड़ा इतला दीजिए, हम आपका जो पैसा है हम आपको लेंगे दे दें बनेंगे जो भी रेलवे डिसाइड करी और उसको हम किसी चीज़ का प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। हमारे को इसकी इजाज़त दीजिए, ये मसला किसी एक का दो का नहीं है। हमारे कौम मुसलमान भाइयों को यहाँ पर नमाज के लिए हम सिर्फ रखे हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसके अंदर आप हमारा साथ दें। और कल भी हमारे जुमे की नमाज़ काफ़ी लोग आए थे लेकिन बगैर किसी एक स्लोगन के ना बगैर किसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर का, यहाँ पर नमाज जुमा हुई और काफ़ी लोग आए और गए बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये अमन के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ बगैर जज्बे के हम उसको अपनी मस्जिद को हम बचाना चाह रहे हैं और आगे जो भी हम जो करेंगे हुकूमत से हम पूछ के इजाज़त लेके हम करना चाह रहे हैं।
और कल हमारे को बहुत खुशी की बात थी, यहाँ पर कल DCP साहब, ACP साहब, CI साहब और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, काफ़ी लोग इधर बंदोबस्त में थे और वो लोग भी देखे हैं हमारे को, और वो लोग भी काफ़ी फ्रेंडली सपोर्ट किया हमारे को, और हर चीज़ के लिए वो लोग पुलिस वाले भी हमारा साथ दिए अमन और शांति के लिए। हम भी यहाँ अमन और शांति के साथ ही जुमा हुआ और इसके लिए हम बहुत खुश हैं, और हम आगे ये चाह रहे हैं कि हमारे को तकलीफ़ मत दो, आपको जो चाहिए आपका जो पैसा जो भी हम जो उसको आप हज़ारों करोड़ों के पूरा इंडिया के अंदर रेलवे दे रहे हैं, हमारी ज़मीन थोड़ी सी है, हमारी जो मस्जिद जितनी है उतनी आप जो भी है आप उसका मुआवजा ले लीजिए, हम बगैर पैसे नहीं देंगे बोल के नहीं, हमारे पास कुछ वही नहीं, हम पैसे दे देंगे ज़रूर, और हमारे को काफ़ी मतलब हम हर हुकूमत हाँ ये 800 के करीब है ज़मीन, चिल्ला चिल्ला है मदरसे के लिए और ये मस्जिद और चिल्ला चल रहा है इधर, ये तकरीबन हमारा 1996 से चल रहा है मस्जिद, नमाज रेगुलरली हो रही है, जब से आपको उसे पहली बार आया अध्यक्ष? हाँ पहली बार आया है, इतने सालों के बाद में पहली बार आया है, हालांकि हमने वक्फ बोर्ड में भी किया और यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे का भी कुछ चला, उसके बाद नहीं, हम लोग खाली कमेटी फॉर्म करे, वो लोग देख रहे हैं वो इशू डाल रहे हैं वो लीगल से, वो हमारे सदर साहब अंसारी साहब हो रहे हैं वो लोग देख रहे हैं वो इशू के लिए, इंशाल्लाह आप हमारी जो भी है हमारे को आप लोग साथ दीजिए, और ये अमन और शांति के साथ ये मसला आगे नहीं फैले सर का, इसको हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं उसको लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ और मैं वक्फ बोर्ड कमेटी के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और ये मेरे वालिद साहब वगैरह यहीं थे, मैं पैदा हुआ इधर ही, बड़ा हुआ इधर ही, सब लोग इधर ही, हुकूमत तेलंगाना से KCR साहब से और महमूद अली साहब से और बाकी जितने भी हमारे मिनिस्टर लोग हैं, हमारे यहाँ पर श्रीनिवास याडा साहब है, तो उनको सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका मामला अच्छे तरीके से हल हो जाए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।